नतीजे पे फोकस करते हैं और एशियन पेंट्स ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसमें कि कमज़ोर नतीजे हमने देखे इस बार कंपनी ने घोषित किए हैं। हालांकि कमेंट्री जो आई है उसमें ये देखने को मिला कि अब तक का सबसे बड़ा क्षमता विस्तार की योजना भी है कंपनी की, उस पर हम आगे हम मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, बट ऑन द फेस ऑफ इट अभी नंबर फिलहाल कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। नतीजों पर और ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD और CEO अमित सिंघल मौजूद हैं। अमित जी, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए अपना। नतीजों की बात करें तो सबसे पहले तो शुरुआत करना चाहेंगे आपके कैपेक्स योजना के साथ, जिसको कि बाजार ने काफी तवज्जो दी इस बार के नतीजों में और सबकी नजर बनी हुई है कि ये जो आपने अनाउंस किया है इससे आपके रिटर्न रेशियो पर माना जा रहा है कि एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आपका क्या कहना है? आज की तारीख में अगर हम देखें, इमल्शन का बहुत बड़ा रोल है पेंट बनाने में। एशियन पेंट्स अब तक भी काफी इमल्शन खुद बनाती आई है, और अगर हम ये स्पेसिफिक वी वाइनल एक्रेलिक मोनोमर और वाइनल एसिटेट एथिलीन इमल्शन देखें, ये दोनों की काफी एक क्षमता है इन टर्म्स ऑफ की इस पेंट की लागत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली इमल्शन है और टेक्नोलॉजी के आधार पे भी काफी स्ट्रॉन्ग इमल्शन है, जो कि पेंट में कई तरह की अलग अलग प्रॉपर्टीज दे सकता है। पर इसकी जो मेन बेनिफिट हमें मिलेगा वो ओवरऑल जो इसका कॉस्ट इम्पैक्ट आज की तारीख में हमारे में वो आता है, उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी हमें। और मैं समझता हूँ कि इस बढ़ोतरी के कारण हमारा जो ओवरऑल PBDIT मार्जिन्स हैं, PBT मार्जिन्स हैं ओवरऑल, डेफिनेटली उसमें हमें बढ़ोतरी मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि एक एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव है बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, जो हम आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की योजना है कंपनी की। आने वाले समय में कंपनी को कॉस्ट एडवांटेज यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो फिर अमित जी, गोइंग फॉरवर्ड क्या आउटलुक देख रहे हैं आप मार्जिन को लेकर? ग्रॉस मार्जिन आपके कैसे रह सकते हैं FY23 के लिए? ओवरऑल अगर हम देखें, लास्ट क्वार्टर में हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो बहुत 35.6% रहा है। प्रीवियस क्वार्टर सेम लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो उसमें 35% का ग्रॉस मार्जिन रहा, तो ओवरऑल 0.6% का इम्प्रूवमेंट है ग्रॉस मार्जिन में। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का हमें डिफ्लेशनरी ट्रेंड आगे दिख रहा है, काफी रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आते हुए दिखती हैं, क्रूड प्राइसेस भी नीचे आई हैं, उसकी धारणा से अगर हम देखें, डेफिनेटली हमको लगता है कि हमारा जो ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन्स है मटेरियल प्राइसेस में हमें राहत मिलेगी और ग्रॉस मार्जिन्स डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म मैं समझता हूँ कि जो ये बैंड है 38-40% का ग्रॉस मार्जिन्स का, उसमें हम डेफिनेटली रहेंगे। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट्स के लिए आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये कब तक इसका लॉन्च होने की संभावना है? कब तक आप इसको लॉन्च करेंगे? इसके अलावा क्या ये पहली बार है कि इंडिया में VAE बेस्ड पेंट्स बनाए जाएंगे? इस तरह के प्रोडक्ट्स इंडिया बनाएगी, और इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए फिर? ये टेक्नोलॉजी जो वाइनल एसिटेट मोनोमर और वाइनल एसिटेट एथिलीन इमल्शन की है, ये वर्ल्ड में कुछ ही प्लेयर्स के पास है। इंडिया में फर्स्ट टाइम ये ऐसी टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं। आज तक ये टेक्नोलॉजी के जो इमल्शन हैं वो बाहर से आते थे, तो जैसे मैंने कहा ये हम ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे थे, क्योंकि अब हम इसको खुद बनाएंगे, इसकी लागत और हमारे प्रोडक्ट्स में आएगी और कुछ नए नए तरह के हम वेरिएशंस और नए प्रोडक्ट मार्केट में रख सकते हैं। कई प्रोडक्ट जो मार्केट में आएंगे उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनका स्टेन रेजिस्टेंस, स्क्रब रेजिस्टेंस वगैरह ज्यादा रहेगा, ताकि कस्टमर को मोर बैंग फॉर द बक मिले इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से वो पेंट्स अपने लगाएंगे, और ड्यूरेबिलिटी उनको ज्यादा रहेगी, कई तरह की नई प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो मैं समझता हूं कि ये हमें कॉस्ट में भी काफी बेनिफिट देगा और जो प्रोडक्ट इनोवेशन है उसको लेके काफी अच्छा बेनिफिट देगा। और क्योंकि इसको इंडिया में कोई नहीं बना रहा और ये काफी एक रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी है, इससे हमें ओवरऑल एनवायरनमेंट में काफी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी।
ऑल राइट अमित जी, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर विश्लेषण देने के लिए, अपने क्षमता विस्तार योजना पर भी हमारे साथ बात करने के लिए। स्टॉक आज 1% नीचे कारोबार कर रहा है, स्ट्रीट को रिटर्न रेशियो को लेकर कुछ चिंता है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया है कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने की कोशिश है और इन प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद एक बड़ा कॉस्ट एडवांटेज कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा, ये कहना है कंपनी के एमडी और सीईओ का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे एक और खास सेगमेंट का।